नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में सोमवार से शुरू हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017, जिसमें लगभग 14 देशों ने हिस्सा लिया है। इंग्लैंड, फ्रांस, बेलारूस, इंडिया, नेपाल, भूटान आदि देशों ने भाग लिया है। भारत दूसरी बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। पहली बार वर्ष 1995 में भारत को यह मौका मिला था। उसके बाद अब इस चैंपियनशिप को भारत में आयोजित करने का उद्देश्य भारत में फिटनेस और हेल्थ के लिए एक बड़े स्तर पर जागरूक करना है। भारतीय लोगों का ध्यान और ज़्यादा फिटनेस की ओर ले जाना है। कार्यक्रम के आयोजक द्रोणाचार्य अवार्डी मिस्टर भूपेंद्र धवन से हमारी टीम ने करी खास बातचीत। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा की एक रिपोर्ट। सर, जिस तरह से वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंडिया 2017 इंडिया में हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि अभी हमने बाहर भी बात की थी 1995 के बाद अब हुआ, तो इन जो बीच में कितने सालों, क्या लगता है आपको कि ये कहाँ पे इतना कि हर साल नहीं हो पाया? एक्चुअली क्या है, फेडरेशनों के अपने झगड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खिलाड़ियों की नहीं सोची गई। अभी हमने क्या किया है कि सब फेडरेशन को बुला के हमने खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए शुरू किया, क्योंकि ये बदनाम हो गया कि ये ऐसे होता है। हमें बोला चलो आदमी, कुछ लोग स्लम में भी काम करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में भी करते हैं। हमने बोला हम भी इस गेम को आगे लाने के लिए, बिकॉज इस गेम में मुझे द्रोणाचार्य 2000 में मिला, तो इसको हम आगे लाने क्यों ना एफर्ट एक यंग टीम लेके फिर हम दोबारा से इसको शुरू हुए। ये हमारा चौथा पाँचवा साल है। अभी हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप किया, 14 कंट्री भी आई और सब लोग फॉरन के भी बहुत खुश हैं कि हमने अच्छा करा रहे हैं। आप भी देख रहे हो, अच्छा ही हो रहा है। भारत का अच्छा ही है, बड़े बहुत टैलेंट है, अच्छे लोग हैं। कल भी लड़कियां जीती हैं, आज भी करेंगी, लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छा स्वच्छ वातावरण, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, ईमानदारी का काम, ये बहुत जरूरी है जो पहले नहीं था। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे अब जाके जो फेडरेशन है पावर लिफ्टिंग के वाले में जो भी एक खेल है उसमें काफी रुचि दिखा रहे हैं? हाँ, अगर सरकार हमारे सिर पे आती है तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो सर, युवा पहले सरकार से मिलती थी लेकिन वो लोग अपने लेवल पे उसको रख लेते हैं। सर, अगर बच्चों तक वो नहीं पहुँचता। सर, आने वाले 5 सालों में अगर बात की जाए, क्या इसको अगर पावर लिफ्टिंग की बात की जाए युवाओं में? युवाओं में तो अभी इतनी आजकल देख रहे हो, युवाओं तो मैं तो इतना हैरान हूँ कि इसको बुजुर्ग लोग 40 साल से ऊपर भी लोग बड़े लाइक कर रहे हैं और 16 साल के बच्चे भी खेल रहे हैं। ये ऐसा गेम है जिसको सभी खेलना चाहते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने वर्ल्ड फेडरेशन को रिक्वेस्ट की इंडिया के मैक्सिमम बच्चों को खेलने के, उन्होंने बोला टू डेवलप दिस स्पोर्ट्स इन इंडिया यू आर अलाउड टू, और इंडिया के बहुत लोगों ने भाग लिया। अभी 4 और 5 नवंबर को बॉडी पावर हो रहा है दिल्ली में, उसमें 550 बच्चे अभी तक एंट्री करा चुके हैं खेलने के, हर एज ग्रुप के। यस जी। तो सर, इस तरह का जो स्पोर्ट्स है कहीं ना कहीं आप, और जिस तरह से युवा में रुझान ज्यादा आ रहा है, जिस तरह से 400-500, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब ये जो पावर लिफ्टिंग है अब ये चल चुका है आगे भविष्य की ओर इंडिया में? बिल्कुल आगे चल चुका है और मैं सोचता हूँ कि और भी आगे जाएगा।